तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, तुम बहुत बुद्धिमान बन रहे हो। हाँ तुम्हें नहीं हम छोड़ेंगे, आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद होगा। एक नंबर खुल है, एक नंबर, दो नंबर खुलवा लो, नहीं एक नंबर, दो नंबर खुलवा, नहीं एक ही नंबर, हमारी नाक बच जाए, दो नंबर खुल, नहीं एक ही फेरा। नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम और जय जय हनुमान भगवान जी। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वीडियो पे जिसका नाम है रिपोर्टर को लगा कि गुरुदेव ढोंगी है, फिर देखिए क्या हुआ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक टाइम सुनाओ, आप हैं कौन सा चैनल है आप? ठीक है वही रहो, आना नहीं हमारे पास, नहीं आना। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी एक एक दो जने उठा के जाओ। हाँ कोई भी, हमें कोई दिक्कत, कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ, दो लोग लेकर आओ जल्दी। और रिपोर्टिंग करते करते जा रहे हैं, ये देखिए अभी मेरे को भागेश्वर धाम बाबा ने जो है ये मेरे को टास्क दिया है कि दो लोग उठाने और सब, मैं भी उठाने जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ चल रही है उसकी रिपोर्टिंग। अभी जाओ भैया जल्दी। करते ही जा रहे हैं, बैठे रहना है पुलिस में, महिलाओं में। अच्छा सुनो भैया, इस वाले पंडाल में भी चले जाना, इस तरफ में, यहाँ के तो उठ रहे हैं, वहां चले जाओ बीच में। आप जो खड़े ना सफेद सफेद वाले, सफेद शर्ट पहने, उल्टा देख रहे हैं जो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तुम बहुत बुद्धिमान लग रहे हो। हाँ तुम्हें नहीं हम छोड़ेंगे। सीताराम, तब तक अर्जी क्रम में भी आगे बढ़ लेते हैं, ये तो चलता रहेगा, इन लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा, क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए। इन्हें ना तो श्रद्धा से मतलब है, ना चमत्कार से मतलब है, ना कृपा से मतलब है, ना टीआरपी से मतलब है कि बाबा एक एक्सपोज हो रहा है, अगर सही निकला तब भी ये कह देंगे दर्शकों आप अपने हिसाब से देखिए। सही बात है। और झूठ निकला तो देखिए बाबा कितना बड़ा अंधविश्वासी है। ये तो नहीं भाई सगे बाप के। तो हमें तो मतलब नहीं है, लेकिन इनका काम सत्य दिखाना है, तो इसलिए हम इनमें गाय को समय बर्बाद करें, अपनी सेवा में समय बर्बाद करें, जिसके लिए हमें बालाजी ने भेजा है, तुम लोगों के लाने भेजा। बोलो सीताराम, आप आइए बहन, बहन आप आइए, आप जुड़े तो नहीं है भैया पहले से इनसे? बहन बैठ जाओ, माइक लो, कहाँ से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा से हूँ। ताली बजाओ छत्तीसगढ़ से। अब देखिएगा ये अद्भुत बात ये है कि हमने बिफोर टाइम लिख करके रख लिया और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। अब आप प्रश्न करिए पहले बागेश्वर धाम की। आप यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माँ की जा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा पाई से आज मेरा उससे तलाक हो चुका है, दो बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की, आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन। कोई बात, आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैं पढ़ाई ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जवाबदारी से मैं खाना बनाने। हमारे पास पत्रकार महोदय दो नंबर तक के, वहीं खड़े रहिए, यहीं दो नंबर तक के पर्चे हैं, एक नंबर दो नंबर। इन्होंने जो प्रश्न बोला आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो, अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब ये भी है बाबा जी, एक नंबर का पर्चा, मतलब बिफोर टाइम लिखा सो तो ठीक, दो नंबर तक के पर्चा हैं, तुम एक को कहोगे तो एक में इनका प्रश्न, दो को कहोगे तो दो में है, और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क, लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज, कौन सी न्यूज है? टाइम्स नाउ भारत। लगाओ अपना विवेक, और आपके लिए ये अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे? बिल्कुल ये अद्भुतता है। और आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद होगा। एक नंबर खुल है, एक नंबर, दो नंबर खुलवा लो, नहीं एक नंबर, दो नंबर खुलवा, नहीं एक ही नंबर, हमारी नाक बच जाए। चलिए दो नंबर खोल, नहीं एक, चलिए एक नंबर खोल, फाइनल फाइनल लॉक लॉक, दो तो नहीं, नहीं दो नहीं, दो करवा लो, नहीं एक ही, नहीं एक ही, फाइनल फाइनल। ये दो नंबर का हम रख लेते हैं, और ये कितने नंबर है? एक नंबर, थोड़ा सुन के करवाओ करवाओ, कर ले भैया जी, माइक नजदीक रखिए, इनका माइक चालू नहीं है क्या? है, आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं, पर्चा तो नहीं, आप पढ़े लिखे, हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा, बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा, वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था, आप ओवर बोल गई थी जिससे विवाद बना था, और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था, तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। बाबा जी बेटा ठीक हो जाएगा मेरा। सीताराम साधु जी, जय जय सीताराम, एक मिनट और बैठो, है वही गजब। हम माइक पे बोल दें कि उससे, माइक से बोलिए आप, किससे बोले हम? बस आप माइक के
मिलेगा। आपके बालक को झटका बनते हैं, एक हमने इसमें मंत्र लिखा, झाड़ा हम लगा देते हैं। आपकी मर्यादा के कारण आपकी बेइज्जती ना हो तो हमने एक संकेत पहले दे दिया, और आपका कहना है कि माइक से ना बताएं तो हम नहीं बताएंगे। बस आप नीचे का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपकी समझ में, सिर्फ एक कॉलम के नीचे का पढ़ लीजिएगा, इसको उसमें कैमरे में मत रिकॉर्ड करना। आप ये पढ़िएगा, माइक बोलिए। हाँ बिल्कुल, आपकी प्राइवेसी है, निजता है, इसलिए हमने ये माइक से नहीं बोला, पर ये है हकीकत। जी बिल्कुल सही, बागेश्वर धाम की। एकदम सही, किसी को बताया आप? बिल्कुल भी। अच्छा, पत्रकारों को आप जब ये पर्चा दिखाना, ये वाला चैप्टर आप छिपा लेना, नहीं तो इससे आपको ट्रोल करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और साथ में हमें भी कहेंगे कि फिर इस बाबा को तो इंटेलिजेंट में भर्ती करवाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं लोग। ये सिर्फ ऐसा दिखा देना, हमें कवच देना है, बालक को झाड़ा लगाना है, आपको अभी भभूति लेनी है, वहां से मंत्र का जाप करना है, और आप जो निर्णय कुछ दिन बाद लेने जा रहे हैं, सही है? सही। ओ, एक नंबर भाई, बाद का भी बता रहे, फ्यूचर भी बता रहे कि ये करने वाले हो आप, वो सही होने वाला है भाई, जबरदस्त। अब आप सोचो बहन कि हमारा, हम कितने गहरे तक पहुंच गए। अब हमें लिस्ट दे, उसमें कुछ कंपनी, कुछ व्यक्ति को जो थोड़ा गलत मार्ग पर थे, उन्होंने जमीनों के लिए लिए थे, काम के लिए लिए थे, उसमें से वो मिलना मुश्किल है, और उसमें से एक दो लोग बहुत गलत हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। माइक नीचे रख दीजिए, नहीं लिए रहिए, माइक लिए रहिएगा, थोड़ा सा आपको सावधान, गंभीरता जो नीचे वाले मैटर में है उसमें एक व्यक्ति और आपको फंसाना चाहता है, कुछ वायरल करना चाहता है, उसमें आप गंभीर रहना, और उसमें सुरेंद्र और सुनील, इन दोनों से भी सावधान रहना। सीताराम नाम ले लिया भाई, सुरेंद्र सुनील इसको देख रहे होंगे तो क्या हालत हुई होगी उन लोग की। भगवान बताए, हम आओ, सुनील मेरे पति है, हम आओ ना, बताइए ना जी, उनसे दूर रहने के लिए बोला, उनसे बचने के लिए बोला है, सुनील नाम की शक्ति थे, वो मेरे पति हैं। बस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।